भाजपनं सत्तेवर येण्यापूर्वी युवकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक चुकीच्या बाबी मांडल्या होत्या, तसेच खोटी माहितीही दिली होती. रोजगाराचे फसवे आश्वासनही दिले. आता 5 वर्ष पूर्ण होत आली आहेत, तरीही युवकांना दिलेल्या आश्वासनांबाबत भाजप गंभीर नाही. भाजपनं पुन्हा निवडणुकीच्या तोंडावर भावनिक राजकारण सुरू केलंय, मात्र युवक आता या भावनिक खेळाला फसणार नाही. भाजपाच्या विरोधातील रोष व्यक्त करण्यासाठीच युवा क्रांती यात्रा सुरू आहे, असं प्रतिपादन राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवचंद यादव यांनी आज केलं आहे. वाढती बेरोजगारी, फसवी आश्वासनं, युवा सक्षमीकरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या भाजपाच्या विरोधात भारतीय युवक काँग्रेसनं कन्याकुमारी ते काश्मीर युवा क्रांती यात्रेचं आयोजन केलंय. या यात्रेच्या माध्यमातून युवा शक्तीला संघटित करून भाजप सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवला जाणार आहे. ही यात्रा 8 जानेवारी ते 11 जानेवारी दरम्यान महाराष्ट्रात असणार आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते, युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय व राज्य पदाधिकारी असे किमान 2 लाख काँग्रेस कार्यकर्ते यात्रेत सहभागी होतील, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजी तांबे यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रात युवा क्रांती यात्रा 1100 किलोमीटरचा प्रवास करणार आहे. नागपूर ते नंदुरबार असं यात्रेचं मार्गक्रमण होणार आहे. मार्गावरील 43 ठिकाणं यात्रेचं स्वागत, मोटरसायकल फेरी आणि 7 ठिकाणी जाहीर सभांचं आयोजन करण्यात आलंय. आज ही यात्रा औरंगाबादेत दाखल झाली असून या निमित्तानं सागर लॉन एपीआय कॉर्नर इथे जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवचंद यादव यांनी भाजप सरकारवर टीका करत निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकार भावनिक राजकारण करून बेरोजगारी, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांची दिशाभूल करत आहे. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवचंद यादव, उपाध्यक्ष श्रीनिवास, प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख, प्रदेश सचिव मुक्तधीर देशमुख, जिल्हाध्यक्ष समीर अब्दुल सत्तार, शहराध्यक्ष मुजफ्फर खान आदींची यावेळी उपस्थिती होती. बात करने का काम किया इस सरकार ने. आज जिस तरीके से आत्महत्या की घटना इस देश में बढ़ी है, भूख से मौतों की कहानियां इस देश में सुनाई देती है, किसानों की आत्महत्या हो, नौजवानों की आत्महत्या हो, हताशा का एक माहौल है. और इस देश में जो अराजक माहौल पैदा करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके खिलाफ युवा क्रांति की यात्रा है. इस सूट बूट वाली सरकार से जो लड़ाई है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि और तेजी से और मजबूती के साथ, चाहे आपका चलो पंचायत कार्यक्रम हो, चाहे बूथ पर मेहनत करने की जरूरत हो, एक एक व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत हो और ये समझाने की जरूरत हो कि देश तभी प्रगति कर सकता है जब भारत के अंदर शांति होगी, एकता होगी, भारत की समरसता जब बनी रहेगी, भारत की एकता और अखंडता जब बनी रहेगी. गंगा जमुनी तहजीब जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति मजहब के लोग, सभी भाषा और संस्कृति के लोग जहाँ मिल के रहते हैं, जब एकता बनी रहेगी, समरसता बनी रहेगी, तब जाके भारत प्रगति करेगा. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी में विभेद पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये बात आम आदमी को बताने की जरूरत है. ये चर्चा करने हम लोग आपके बीच में आए हैं. यात्रा चल रही है, 30 जनवरी को यात्रा का समापन है. मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि उस रैली में बड़ी तादाद में आने का काम करना, ताकि वहां से एक संदेश पूरे देश के अंदर यह दिया जाए कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का युवा बदलाव के लिए तैयार है और 2019 में इस जनतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ फेंक के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार बनाने का काम किया जाएगा जो देश में किसानों और नौजवानों के हित में काम करे. आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद. हुए घोटाले का हिसाब मांगने के लिए देश के तमाम युवाओं की तरफ से हम लोग चले हैं. देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को देने का, वो जुमला निकला, वो सवाल और जवाब पूछने हम लोग सड़कों पर निकले हैं. किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी. किसानों का हक कौन देगा, ये सवाल पूछने के लिए सड़कों पर निकले हैं. देश के अंदर जो अराजक माहौल है, भीड़ के तंत्र द्वारा निर्दोष और निरीह लोगों की जो हत्या हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग का जिस तरह से सहयोग और समर्थन उसमें दिखता है, और सरकार तमाशा देखती है, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग यात्रा में निकले.